कृष्ण कन्हैया लाल की आनंद कंदम प्रभुदेवचंद्रम ब्रजे पुरा पिञ्जत प्रविश्य प्राप्त प्रियप्राडनाथ परे स पूर्ण सतत जाङ्गर्णाय जात सर्व स्वपता भसिन्ध्रा विज्ञा निजधर मधता दीन कबंध शरण प्रपद दी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सदगुरु महाराज की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय श्री पाच नवतन पुरी धाम की जय आचार्य श्री कृष्ण वणिजी महाराज की जय समस्त सुंदर साथ जय श्री महामती कै मोमिनो देखो साथ कदम अब इनको देखके जगाओ अपनी आत्मा जगाओ अपनी आत श्री कृष्ण कन्हैया धर्म प्राण सुंदर शास्त्री अब हम नौवे प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं नौवा प्रकरण साथ की कुर्वानी फिर शीर्षक से है साथ की कुर्बानी, कुर्बानी मतलब समर्पण अब सुंदर साथ ने किस प्रकार से अपने आप को समर्पण किया धर्म के प्रति परमात्मा के प्रति तो यह प्रसंग यहाँ उल्लेख करते हैं वैसे आठवां प्रकरण में ही इसी तरह का ही प्रसंग चल रहा था उसको पुनः अब लालदास जी महाराज जो कुछ कभी कभी क्या होता है कभी प्रवचन करते हुए भी कभी कुछ लिखते हुए भी कभी कुछ बोलते हुए भी थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ये महत्वपूर्ण प्रसंग तो छूट ही गया ऐसा होता है ना तो उसको पुनः रिपीट करते हैं हाँ वो छूट गया है तो फिर उसको दोबारा वो करते दोबारा मतलब वो छूटा हुआ प्रसंग फिर लेते हैं तो यह आठवां प्रकरण भी इसी तरह का था तो अब नौवें प्रकरण में भी और भी कई सारे प्रसंग को जोड़ते हुए जो कुर्बान हुए सुंदर साथ जो प्राणनाथ जी महाराज के अंतर्ध्यान के साथ साथ में कुछ दिन आगे कुछ दिन पीछे जो साथ ने अपने आप को समर्पित किया इस शरीर को छोड़ा परमधाम में जो जागृत हुए उन साथ के नाम पुनः उल्लेख करेंगे उससे पूर्व वो फिर बताएंगे क्या कुछ हुआ पूर्व भूमिका एक पिठी का तैयार करते हैं तो हम आगे बढ़े प्रथम चौपाई अब कहूँ की जो फिदा हुए ऊपर हक इनकी सिफत न आवे शब्द में नेक कहूँ अपने माफक का तो यहाँ पर लालदास जी महाराज कह रहे हैं हे सुन्दर साथ जी अब कहूँ मोमिन की मैं अब कुछ अब मोमिन की चर्चा करने जा रहा हूँ कोई सुंदर साथ ऐसे समर्पित सुंदर साथ जो परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित सुंदर सात ऐसे सुंदर सात को ही उन्होंने मोमिन करके यहाँ पर उल्लेख किया है जो फिदा हुए ऊपर का फिदा मतलब समर्पित कुर्बान वही पहले जो आया है वही इसका अर्थ है जो फिदा हुए ऊपर हक्का वो सत्य परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ऊपर जो पूर्ण रूप से समर्पित हो गए ऐसे सुंदर साथ की जो चर्चा है उनका प्रसंग मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ आगे कहते हैं इनकी सिफत न आवे शब्द में इनकी उन सुंदर साथ की जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया परमधाम परमात्मा एवं आत्मा के प्रति मतलब स्वयं धाम धनी प्राणनाथ जी महाराज को अपने प्राणेश्वर प्राण प्रियतम जिन्होंने समझा ऐसे सुंदर साथ जिन्होंने जो पूर्ण रूप से समर्पित हुए इनकी सिफत नावे शब्द में सिफत मतलब महिमा महिमा उनकी महिमा इन शब्दों से इस झूठे शब्दों से ये कभी गाई नहीं जा सकती यह उनकी जो प्रशंसा है उनकी महिमा है वो अपरंपार महिमा है न आवे शब्द में मैं वर्णन नहीं कर सकता इन शब्दों के द्वारा नेक कहूँ अपने माफक का फिर भी फिर भी अब शब्द में वर्णन नहीं हो सकता शब्दों से उनकी महिमा नहीं गाई गाई जा सकती फिर भी यहाँ बोलते हैं नेक मतलब जरा सा थोड़ा सा रंचक मात्र भी हो कहूँ अपने माफक का अपने माफक मतलब मेरी अपनी बुद्धि के माफक देखिए उनकी महिमा कोई गाही नहीं जा सकती गाई गाया नहीं जा सकता उनका जो वर्णन किया नहीं जा सकता महिमा इतनी अपार है उसकी महिमा इन जुआनों से इन शब्दों से होने वाली नहीं है फिर भी सुंदर सात के खातिर वो बोलते हैं नेक मैं जराशा थोड़ा कहूँ अपने माफक का मेरी बुद्धि अनुरूप मेरी बुद्धि के अनुरूप जो परमात्मा ने जो मुझे बुद्धि दी है जो समझ दी है अपनी समझ के अनुरूप अपनी मति और बुद्धि के अनुरूप मैं वर्णन करने जा रहा हूं यार है। तो चलना राज के पिछला किया अपना कुर्बान भयो गौ गौ वत्स पद कहिवे को जाए लगे ब्रह्मवान अब ये चौपाई थोड़ा अधिक समझने जैसी है तो यहाँ कहते हैं चलना राज के पिछल्ला किया अपना कुर्बान उन सुंदर साथ जिनकी यह भूमिका तैयार कर रहे हैं जो सुंदर साथ ने अपने आप को समर्पित कर दिया उन जिनकी सिफत नहीं गा, गाई जा सकती जिनकी महिमा नहीं की जा सकती इतनी अपार महिमा है उन्होंने क्या किया तो कहते हैं चलना राज के पिछल्ला यहाँ राज शब्द है प्राणनाथ जी महाराज के लिए प्रयुक्त हुआ है तो जी महाराज का जैसे अंतर ध्यान का प्रसंग सुना तो उन्होंने क्या किया चलना बस चलने के लिए जाने के लिए पिछल मतलब पीछे पीछे प्राणनाथ जी महाराज के पीछे पीछे जाने के लिए उन्होंने क्या किया उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए किया अपना कुर्बान अपना सब कुछ समर्पित कर दिया निक्शावर कर दिया अपना कुछ रखा ही नहीं मैं शरीर हूँ मेरा घर परिवार है पद प्रतिष्ठा है आदि आदि कुछ भी उनको ध्यान ही नहीं आया अपने प्राण प्रियतम प्राण नाची महाराज अंतर ध्यान हो रहे हैं बस हमारा यहाँ रहने का कोई अर्थ नहीं है बस उनके पद चिन्ह पर उनके पीछे पीछे चलने के लिए जो तैयार हो गए तो उनके लिए संसार क्या हो गया ये बताते हुए कहते हैं भयो गौ पद कही वे को देखिए गौ पद किसको बोलते हैं पता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सही तो गौ वत्स्य गौ मतलब गौ वत्स वाड़ा है बछड़ा अथवा बछड़ी कोई भी हो गौ के बछड़े गौ पद गौ के बछड़े के पद यहाँ हो गया मतलब भयो गौवत्स पद कही वे को तो ऐसे सुंदर साथ के लिए क्या हुआ इस संसार को पार करना कितना सरल हुआ इसके लिए बोलते हैं उनके लिए जैसे अभी गाय का एक बछड़ा जन्मा हुआ है अभी चलने लग गया छोटा बछड़ा और वो चलते हुए उसका पदचिन्ह कितना बड़ा होगा यदि वो अपना पद अपना खुर थोड़ा कीचड़ में जहां मिट्टी गीली हो वहां पे टेक दे तो थोड़ा गड्ढा होता है ना और वो गड्ढे में पानी भर जाए पानी कितना होगा इतना होगा यदि उस पानी को लांगना हो उसको पार करना हो तो हमें कोई तकलीफ होगी कोई कठिनाई आएगी नहीं आएगी इतना सा तखूर है और उसमें पानी भर जाए तो हम सहजता से सरलता से कोई परिश्रम बगैर उसको पार कर सकते हैं ना लेकिन उसको अब यदि चीटी को पार करना हो तो हा? छोटी चीटी जा रही हो और बीच में वो गड्ढा मिले तो पार कर सकती है क्या नहीं कर सकती है ना तो यह कहते हैं वो गड्ढा ये पूरा भवसागर ये संसार है ना उन सुंदर सात के लिए गौपद वत्स गौवत्स पद हो गया गाय के बछड़े के द्वारा टेका हुआ गड्ढे में जो पानी भरता है उसको लांगने में जितना आ, कोई कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता कोई कठिनाई नहीं आती उन सुंदर सात के लिए इतना सहज हो गया संसार को छोड़ना इस शरीर को छोड़ना देखते 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 बिना परिश्रम छोड़ गए हो ऐसा महसूस हुआ उनके लिए कोई कठिनाई नहीं हुई क्योंकि श्वास श्वास में वो परमात्मा रमण कर गए थे ना अपने हृदय में ही अंदर बाहर सब कुछ वो परमात्मा के प्रेम में भीगी हुई थी तो कल आया था ना गरक शब्द आया था ना पूर्ण रूप से प्रेम में भीगने के कारण उन्हें भरतार के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहे था नज़र नहीं आ रहा था ये संसार तो उनके लिए कुछ था ही नहीं इसलिए ये संसार उनके लिए क्या हुआ गौवत्स पद के समान हो गया ये कहने का मतलब है इतने सरलता से उन्होंने संसार को पार किया जाए लगे ब्रह्मबान देखो अब यहां जाए लगे ब्रह्मबान इसका अलग अलग अर्थ है एक तो जिनके हृदय में वो ब्रह्म बानी जाकर के लग गई ब्रह्मबान ब्रह्मवाणी ये वाणी ब्रह्मवाणी जिनके हृदय में अंदर गई उन्होंने झकझोर दिया उनको जागृत कर दिया तो जागृत होते ही उनकी शुरता तो परमधाम में पहुंच गई मूल मिला में अरे हम तो यहाँ व्यर्थ ये सब अपना अपना कर बैठे हैं लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है ये तो चार दिन का रमत है और हमारा मूल तो परमधाम में है इस तरह से वो ब्रह्मवाणी श्रवण करते ही वो जागृत हो गए ये एक यह अर्थ हो गया और दूसरा है कि ब्रह्म वान जैसे वो वाण लग जाता है ना सीधा जाकर के हृदय में घाव करता है तो उसके समान कहते हैं जाय लगे ब्रह्म बान। वो बाण इस तरह से लगा धाम धनी के अंतर ध्यान का जो विरह रूपी वाण है उनके हृदय में इस तरह से लगा तो वो सीधा परम धाम में उनकी आत्मा पहुंच गई संसार बिल्कुल एक पल में उन्होंने छोड़ दिया संसार का परित्याग कर दिया ये अर्थ है तो जाए लगे ब्रह्मवान अब यहां कहते हैं भव जल मोह सागर पार न आवे कोई वास्ते दीन इस्लाम के नजरों आया सोए अब आगे कहते हैं भव जल मोह सागर पार न आवे कोय कहते हैं अब इस भवजल भवजल जल किसको बोलते हैं ये संसार रूपी समुद्र इसको भवजल बोलते हैं ये कैसा है, है? मोह सागर है ये मोह का ही सागर है ये संसार रूपी समुद्र एक मोह का सागर है कहने के लिए समुद्र है कहने के लिए सागर है लेकिन है नहीं वास्तविक नहीं है यथार्थ तो नहीं है अब मुह किस को बोलते हैं मोह मतलब क्या है मोह मतलब दिखता है लेकिन होता नहीं है जो झूठ है जो अज्ञान है वो मोह है दिखाई देता है लेकिन वो होता नहीं है देखिए विचित्र बात है ना दिखाई देता है सामने लेकिन उसका कोई अस्तित्व तो नहीं होता मोह है तो यहां प्राणनाथ जी महाराज वाणी में कहते ना मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य वाणी में कहते कलश ग्रंथ में मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण ये ये सारा मोह ही है मोह अज्ञान भरम कर्म काल शून्य ये सब आदि नींद आदि सब है ना ये सब मोह के ही नाम है अलग अलग नाम है ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण ये सब मोह है मतलब जो है ही नहीं देखने में आता है लेकिन उसका अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है ऐसा ये संसार भी संसार सागर भी इसको सागर कहा मोह सागर कहा लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है इसका अस्तित्व ही नहीं है फिर भी यह बहुत प्रभावशाली है शक्तिशाली है इसके विषय में आगे चर्चा होगी तो भव जल मोह सागर ये संसार भवजल मोहसागर पार न आवे कोई देखिए इसका कोई पार नहीं है और इसको पार पाने वाला भी बहुत अल्प लोग है इसी में सब डूब जाते हैं पार पाने वाले नहीं है किंतु ऐसे सुंदर साथ हो गए उनके लिए यह संसार भवसागर पार करना कोई कठिनाई नहीं हुई सहजता से उन्होंने पार कर लिया यह कहते हैं वास्ते दीन इस्लाम के नजरों आया सोए अब वास्ते दीन इस्लाम के अब यहाँ कहते हैं उन्होंने किस प्रकार से समर्पण किया किसके लिए वास्ते लिए दिन इस्लाम के वो सत्य धर्म वो आत्म धर्म वो निजानंदीय धर्म उसके लिए सुंदर साथ ने संपूर्ण समर्पित कर दिया नजरों आया सोए अब यह भवसागर पार करने के लिए उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं क्योंकि उनका नज़र तो परमधाम में धाम धनी के चरणों में लगी हुई थी इसलिए जब धाम धनी के चरण परम धाम अपना धाम सामने दिखाई देता है तो इसको पार करने में कोई उनको कठिनाई हुई नहीं नज़रों आया सोए क्या नजर आया वो परम धाम और परमात्मा का चरण ही उनको सामने दिखाई दे रहा था इसलिए इस भवसागर को सरलता से उन्होंने पार कर लिया आगे कहते हैं सूर कई संसार में होते तरवारों टुक टुक पर इनकी तौल न आ जो हक वास्ते हुए भूक भूका अब यह कहते हैं वैसे तो इस संसार में अनेक सूरवीर हो गए है ना सुरों की कोई कमी नहीं रही जो अपने पद प्रतिष्ठा के लिए अनेक अलग-अलग कारण में लड़ते रहे अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े जिन्होंने किए अपने आप को समर्पित कर दिया अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे सुरवीरों की भी कमी नहीं है वह कहते हैं सुर कई संसार में अनेक सुरवीर हो गए इस संसार में होते तलवारों टुक टुक तलवार से काट काट करके अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करने वाले ऐसे सुरवीर हो गए ठीक तो पर इनकी तौलना आ वहीं जो हक का वास्ते हुए भूक भूक परंतु उनकी तुलना इन सुंदर साथ के साथ नहीं की जा सकती इन ब्रह्म प्रियाओं के साथ में नहीं की जा सकती पर इनकी तौल न आवे तुलना तौल मतलब तुलना न आवे तुल वो इनके बराबर नहीं होंगे वे सुरवीर और इन सुंदर साथ की तुलना की जाए तो सुंदर साथ इनके ऊपर भारी पड़ जाएंगे क्यों क्योंकि जो हक वास्ते हुए भुक भुक वो परम सत्य परमात्मा की प्रति उन्होंने अपने आप को भुक भुख कर दिया मतलब भूख मतलब वैसे देखो ये गुजराती शब्द में से आया होना चाहिए गुजराती शब्द में भुक्का भुक्का धैर्या एम कहे ना नहीं तो एनु मतलब सु एकदम वो चूर्ण जैसा हो गया है ना वो पाउडर का पाउडर सा हो गया चूर्ण जैसा हो गया ये मतलब है यह एक प्रास मिलाने के लिए भी ये शब्द डाला है टुक टुक ऊपर तुक टुकड़े टुकड़े आए अब टुकड़े सूर्यीरों ने तो क्या किया अपने को टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित कर दिया टुकड़े टुकड़े कर दिए लेकिन सुंदर साथ ने तो परमात्मा के चरण में क्या कर दिया अपने को वो चूर्णस समान बना दिया धूल के समान बना दिया और टुकड़े तो छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन धूल तो बिल्कुल बारीक हो गई ना तो उन सूर्यवीरों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती इस तरह से वे समर्पित हो गए परमात्मा के चरणों में जो हक्क वास्ते हक्क के लिए हुए हो गए भूख भूख वो बिल्कुल पाउडर से बन गए भूख भूख हो गए तो आकार अपना डारते जरा न करी शक्क साबित हुए मोमिन पहुँचे कदमों हक या कहते हैं आकार अपना डारते परमात्मा के प्रति समर्पित होते हुए आकार अपना डारते यहां डारना मतलब बलिदान देना कुरान हो जाना आकार अपना कुरवान करते हुए जरा न करी सक जरा मतलब रंचक मात्र भी न करी सक कोई संकोच नहीं किया परमात्मा के चरणों में समर्पित होने के लिए सुंदर साथ ने अल्प मात्र भी रंचक मात्र भी संकोच नहीं किया बिल्कुल निसंदेह हो करके पूर्ण विश्वास के साथ में परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गए ऐसे सुंदर साथ इसलिए किसी से इनकी तुलना नहीं की जा सकती कहते हैं साबित हुए मोमिना पहुँचे कदमों हक तो यह साबित मतलब सिद्ध हो गए प्रमाणित हो गए जो शास्त्रों में वर्णन है कि परमात्मा के प्रति सच्चे समर्पित भक्त कैसे होंगे तो यहाँ सुंदर साथ ये प्रमाणित हो गए कि परमात्मा के प्रति सच्चे समर्पित ऐसे प्रेमी सुंदर साथ तो इस प्रकार के होंगे क्योंकि सब कुछ न पुत्र देखा न परिवार देखा न कोई मान प्रतिष्ठा देखी न शरीर देखा कुछ भी नहीं देखा परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गए इसलिए वे मोमिन साबित हो गए मतलब सच्चे समर्पित भक्त सुंदर साथ साबित हो गए प्रमाणित हो गए पहुंचे कदमों हक्का वे पहुंचे कदमों हक्का परमात्मा के चरणों में इस तरह से पहुंच गए अब आगे कहते हैं इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतराए पर जिनकी नजर धाम में ताको कौन फिराए अब आगे लालदास जी महाराज कहते हैं सुंदर साथ से ऐसे समर्पित सुंदर साथ उन्होंने न इधर देखा न उधर देखा न आगे देखा न पीछे देखा देखा तो मात्र परमात्मा और परमधाम देखा और स्वयं को समर्पित कर दिया ऐसे सुंदर साथ इनको पीछे न को ऐसे सुंदर साथ को भी ऐसे सुंदर साथ को भी पीछे न को इस माया रूपी दलदल में डालने के लिए इनको भी इस संसार में लौटाने के लिए उनकी सुरता जहाँ परमधाम में लग चुकी है ऐसे सुंदर सात की भी सुरता मतलब उनके भी मन को फिर लौटाने के लिए बहुत करी अंतराए बहुत प्रयत्न किया गया बहुत प्रकार के प्रयत्न हो गए तो माया का और सांसारिक प्रलोभन दिखा करके प्रलोभन दे दे करके उनकी सुरता को पुनः माया में लगाने के लिए बहुत प्रयत्न हुआ बहुत करी अंतराय अलग अलग प्रकार से परमात्मा के साथ में अंतराय करने के लिए पर्दा लगा देने के लिए अंतराय मतलब यह विक्षेप पर्दा देखो अब बहुत अंतराय बहुत मजबूत नहीं होगा जैसे एक पर्दा बीच में लगा हुआ है राज्य के सामने पर्दा लगा है वो तो नाजुक पर्दा है लेकिन पर्दा तो लगा ना पर्दा लगते ही हमारे दृष्टि से ओझल हो जाते हैं इसी प्रकार के वो देखने में ऐसे हल्के पर्दे के समान ऐसे प्रलोभन लेकिन वो इतने मजबूत मजबूती के साथ में धामधनी के साथ में अंतराय करने वाला वो पर्दा है इस प्रकार के प्रलोभन रूपी पर्दा भी सुंदर सात के समक्ष आ गए उनको उस पर्दा लगा करके धामधनी से विमुख करने के लिए काफ़ी प्रयत्न भी हुए पर पर जिनकी नज़र धाम में ताक कौन फिराए कितना भी प्रलोभन दिखाया यह संसार तो एक गोविंद भेड़ा है है ना? तो यहाँ कितने भी प्रकार के प्रलोभन दिखाए परंतु जिनकी सुरता परम धाम में लग गई जिनका विश्वास जग गया मैं राज्य की अंगना हूं मेरा धाम परम धाम है मेरा शाश्वत घर तो परम धाम है यह विश्वास एक बार बैठ गया पर जिनकी नजर धाम में जिनकी दृष्टि बस धाम में लग चुकी है ताको कौन फिराए अरे कितने भी प्रलोभन दिखाए कौन फिरा सकता है उनको कौन माया में डाल सकता है यहाँ कहते हैं सच्चे मार्ग से जो सत्य मार्ग से उनको विचलित नहीं किया जा सकता उनको परमात्मा से नहीं किया जा सकता, परमात्मा से दूर नहीं किया जा सकता ताको कौन फिराए ऐसे सुंदर सात को किस तरह से माया में डाल सकते हैं यह अर्थ है बहुत सुंदर भाव है इसका पुकार करी इनो बहुत सबों को दिया पैगाम बिना हक के हुक्मे क्यों पहुँचे इस्लाम अब यह कहते हैं पुकार करी इनो बहुत तक का इनो मतलब इन सुंदर साथ ने उन सुंदर साथ ने जो जागृत हो गए जिनकी दृष्टि परम धाम में लगी हुई है जिन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया उन्होंने पुकार करी बहुत तक बहुत पुकार किया इस संसार में आकर के लोगों को जग जगाने के लिए परमात्मा का संदेश देने के लिए प्रेम का संदेश देने के लिए बहुत पुकार की बहुत बार बार इन्होंने पुकार किया सबों को दिया पैगाम पैगाम मतलब यहाँ होता है संदेश प्रेम का संदेश परमात्मा का संदेश देने के लिए सबको किसी को पक्षपात बिना सबको इस प्रेम का संदेश दिया परमात्मा का संदेश सबको दिया बिना हक के हुक्मे क्यों पहुंचे इस्लाम परंतु संदेश प्राप्त करके भी जब निस्वत नहीं होता जब अंकुर नहीं होता है संबंध नहीं होता है जिनका वो सुन करके भी उनको वहाँ से कुछ खुशबू मिलने वाली नहीं है कुछ भी जागृति हुई नहीं क्योंकि बिना हक्क के हुक्मे परमात्मा के हुक्म बगैर उनकी आज्ञा उनका आदेश बगैर यहाँ कहते हैं क्यों पहुँचे इस्लाम उस सत्य मार्ग पर उस सत्य धर्म कैसे अंगीकार करेंगे कैसे स्वीकार करेंगे यह निजानंद स्वामी सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज द्वारा जो प्रशस्त मार्ग है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय बस इसमें वही आ सकता है इसमें वही जुड़ सकता है जिसका संबंध परमात्मा एवं परमधाम से जुड़ा हुआ हो जिसका संबंध परमधाम से हो अन्यथा ये सुन सुन करके भी अच्छा भी लगे तो भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो पाएगा इसीलिए परमात्मा की आज्ञा बिना बस उस मार्ग पर इस सास्वत, धर्म सास्वत मार्ग पर कोई भी चल नहीं पाएगा क्यों पहुंचे इस्लाम है कुछ सुनत धनिय की बिरह न किया याद सो तो नहीं मोमिना विरह सुनत न उड़ जात अब यहां कहते हैं देखो ना बिरह सुनते न उड़ जात ये चौथी पाई है ना ये कहीं से ये गलत हुआ है इसका जो सही होना चाहिए अरस अजीम की बुनियाद उसमें लिखना ये चौथा पद है चौथा पद वो ये त्रुटि है इसमें अरस अजीम की बुनियाद है लिखा अजीम की बुनियाद अब फिर करते हैं तो कुछ सुनत मतलब प्रस्थान सुनत की सुन करके धनीय मतलब प्राणनाह जी महाराज ने जब कुछ किया प्रस्थान किया धाम प्रस्थान किया उनके धाम प्रस्थान के वियोग का विरह इन्होंने याद नहीं किया विरह न किया याद उनके अंतर ध्यान होने का अथवा उनसे वियोग होने का विरह जिन्होंने याद नहीं किया सो तो नहीं सो तो नहीं मोमिन वे मोमिन नहीं हो सकते वे सच्चे सुंदर साथ नहीं हो सकते सक, सच्चे भक्त नहीं हो सकते अब यह कहते हैं अरस अजीम की बुनियाद अब कहते हैं देखो अरस अजीम की बुनियाद अरस मतलब वो परमधाम अजीब मतलब वो श्रेष्ठ और श्रेष्ठ परमधाम की बुनियाद उनका मूल है ना वो परम धाम से नहीं हो सकता जो धाम धनी के चलने के बाद उनके वियोग में जो दुख होना चाहिए जो वियोग का दुख जो होना चाहिए विरह होना चाहिए वो विरह भी जिनको याद नहीं आया ऐसे भक्त ऐसे सुंदर साथ को वो सुंदर साथ नहीं कहा जा सकता उनका मूल बुनियाद परमधाम में नहीं होना चाहिए उनका मूल तन परमधाम में है ऐसा नहीं कहा जा सकता यह कहते हैं अरस अजीम की बुनियाद इस तरह से उस विशाल परमधाम में उनका मूल बुनियाद बुनियाद मतलब मूल नहीं होना चाहिए तो इस तरह से लाल जी महाराज यहां कहते हैं सुनते शब्द धनीय का तब ही अरवाह उड़ जाए ताको कहिए मोमिना सुनते बिरहा उड़ जाए देखिए अब ऊपर कहा मोमिन किसको कहा जाएगा नीचे कहा ऊपर कहा किन ये जो अपने आप को समर्पित करने में जो वंचित रहे ऐसे सुंदर साथ को सुंदर साथ नहीं कहा जा सकता ब्रह्म आत्मा नहीं कहा जा सकता कहा किन को कहेंगे तो यहाँ कहते हैं सुनते शब्द धन्य का तब ही अरवाह उड़ जाए ताको कहिए मोमिना सुनते बिरह उड़ जाए तो कहते हैं अब यह इसके भी दो अर्थ है सुनते शब्द धनिय के बस धाम धनी का अंतर ध्यान हो गया ऐसा शब्द सुनते ही तब ही अरवाह उड़ जाए तुरंत क्षण भर में उनकी आत्मा इस शरीर को छोड़कर के उड़ जाए ताको कहिए मोमिन ऐसे को ही सच्चे सुंदर साथ कहा जाता है और कहते हैं कि सुनते बिरहा उड़ जाए बस धाम धनी के अंतर ध्यान का प्रसंग अंतर ध्यान की बात सुनते ही वो बिरहा में व्याकुल होकर के उड़ जाए मतलब अरवा उड़ जाए इस रूह निकल जाए आत्मा इस संसार से निकल जाए ये एक अर्थ हो गया दूसरा अर्थ श्रवण करें तो यहां कहते हैं सुनते शब्द धनीय का बस शब्द धाम धनी के प्रेम का प्रेम के प्रसंग प्रेम का शब्द परमधाम का प्रसंग जब सुन सुनते हैं ब्रह्म आत्मा सुंदर साथ तो कहते तब ही अरवा उड़ जाए वो जागृत हो जाते हैं यहां अरवा उड़ जाना मतलब देखो दो अर्थ होंगे केवल शरीर छूटने से परम परमधाम पहुंचा जाता है ऐसा थोड़ी है फिर तो कहीं भी किसी भी तरह से शरीर छोड़ दे है ना फिर परमधाम में पहुंच गए ऐसा नहीं है यहां कहने का मतलब है इसी शरीर में रहते हुए वो ब्रह्मवाणी श्रवण करते ही तारतम श्रवण करते ही बस उसको याद आ जाए अरे मेरा मूल तो परमधाम है मेरा संबंध परमात्मा से है हम यहाँ इस खेल देखने के लिए आए थे और यहीं पे भूले पड़े थे बस अब ब्रह्म ज्ञान रूपी वो तारतम तेज उस तारतम की ज्योति ने हमें जग जगा दिया परमधाम दिखा दिया हमारा शाश्वत संबंध तो परम परमात्मा एवं परमधाम से है ऐसा अनुभव होना यही तो जागृति है बस यह जागृति आते ही उनको इस संसार में रहते हुए इस शरीर में रहते हुए भी शरीर का मोह नहीं रहेगा संसार का मोह नहीं रहेगा यही अरभा का उड़ना है ये अर्थ है तो कहते हैं सुनते शब्द धनीय का परम धाम परमात्मा के शब्द परम धाम के शब्द उसका ज्ञान सुनते ही तभी ही अरभा यदि वहाँ के निस्वत वहाँ के साथ होंगे वहाँ की आत्मा होंगी तो वो प्रसंग सुनते अरे ये तो मेरी बात है, मेरा प्रसंग है करके तुरंत जाग जाएगी ताको कहिए मोमिन ऐसे लोगों को ही मोमिन कहा जाएगा तो कहते हैं सुनते बिरह उड़ जाए बस विराहा अब उनका आएगा ना क्योंकि हम तो हो परमधाम को छोड़ के धाम धनी को छोड़ के उनसे विमुख होकर के संसार में रचे पचे हैं जैसे याद आएगी बस विराह आ जाएगा अरे अब तो पल पल अब तड़पने लग जाएगी वह आत्मा मेरे धनी से मेरे प्राण प्रियतम से कब मिले वो बिरह एकदम जागृत हो जाएगा तीव्र हो जाएगा तो ऐसे लोगों को ही सच्चे सुंदर सा एवं सच्ची ब्रमात्मा कहा जाएगा पीछे रखे आकार को लालच वजूद के सो क्यों बैठे संयन में बात कहने को ए। लेकिन जो पीछे रखे आकार को इस शरीर छोड़ने में जो पीछे हट करते हैं कहते हैं पीछे रखे आकार को लालच बजूद के इस सर, इस वजूद के लालच मतलब इस शरीर से मिलने वाला सुख के लालच में अब जब तक वो आत्मा का सुख नहीं मिलता है ना जब तक आत्मानंद में नहीं पहुंचते जब तक वो परमात्मा का प्रेम क्या होता है शाश्वत प्रेम क्या होता है वो आत्मा से मिलने वाला आनंद आत्मा से मिलने वाला सुख क्या होता है जब तक पता नहीं चलता तब तक इस शरीर से मिलने वाला सुख को ही सुख कहा जाता है ना? इसलिए कहा कि लालच बजूदक इस शरीर इस पंचभौतिक शरीर से मिलने वाले सुख के लालच में जिन्होंने इस शरीर को समर्पण करने के लिए पीछे हट कर लिया मतलब इसको बचाए रखा सो क्यों बैठे संयन में ऐसे को तो किस तरह से संयन कहा जाएगा वो सुंदर साहद के जमात में सुंदर साध के समूह में किस तरह से बैठ पाएंगे और सुंदर साथ की चर्चा वो प्रेम की चर्चा परमधाम की चर्चा परमात्मा की चर्चा किस प्रकार से वो कर पाएंगे ऐसे ही है सो क्यों बैठे संयन में बात कहने को ये ये बात ये मतलब प्रेम की बात प्रेम की बात करने के लिए सुंदर साथ के समूह में ऐसे लोग कैसे बैठ सकते हैं जो इस शरीर के द्वारा प्राप्त होने वाले अल्प छुद्र सुख को ही शाश्वत सुख मान करके उसी सुख को पाने की लालच में इस शरीर को बचाए जो रखते हैं उनको सुंदर साथ नहीं कहा जा सकता वो सुंदर साथ के जमात में कैसे बैठ सकते हैं बहुत सुंदर चौपाई है तो कहते हैं मोमिन ऐसी ना करे जो कछु होए पहचान अरवाह सो उड़ा वहीं होए ईमान मोमिन ऐसे सच्चे सुंदर साथ ऐसे नहीं होंगे जो कछु होए पहचान जो कुछ भी पहचान हो ना परम धाम परमात्मा और प्रेम की कुछ भी पहचान हो धाम धनी की परम धाम की पहचान हो तो ऐसा नहीं करेंगे ऐसे क्षुद्र सुख के लिए अपने शरीर को बचाई नहीं रखेंगे मतलब शरीर को बचाए रखने का भी तात्पर्य है ना शुद्र सुख प्राप्त करने के लिए बचाए रखे वो सुंदर साथ नहीं है लेकिन सुंदर साथ शरीर को बचाए रखें सेवा के लिए रखें भजन भजन भक्ति के लिए रखें अधिक से अधिक भक्ति हो अधिक अधिक से अधिक, से अधिक, से अधिक सेवा हो इसके लिए रखें तो फिर वो समझा जा सकता है आगे वही बात करेंगे तो यह कहते हैं अरवाह सो उड़ा वहीं होए ईमान यदि जिसकी थोड़ी सी भी पहचान हो थोड़ी सी भी खुशबू मिल जाए तो वो क्या करेंगे इस शरीर से अपने रूह को अपनी आत्मा को वो जगा लेंगी इस शरीर के बंधन में शरीर की मोह में नहीं पड़ेंगी अरवाह वो आत्मा सो उड़ा वहीं वो निकाल ही देंगी मतलब वो जागृत करा देंगी जा हुए ईमान विश्वास जरा भी इस धर्म में विश्वास हो धाम में विश्वास हो परमात्मा में जरा भी विश्वास हो तो वो तुरंत जाग जाएगी ये अर्थ है तो आगे कहते हैं धिक धिक पढ़ो तिन को जो ए बात सुने कान बिछोहा धनी धाम सो जाको कछु नहीं पहचान धिक धिक वो धिकार है धिकार है उनके उनको तो धिकार है किन को जो ये बात सुने का जो ये बात सुन करके भी धाम धनी ने हमें छोड़ करके प्रस्थान किया ऐसी बात सुनकर के भी बिछोहा धनी धाम सों धनी और धाम से बिछोड़ होने के बाद भी वो बिल्कुल निष्फिक्र होकर के जो बैठे हैं ऐसे के लिए तो धिकार है धिकार है करके लालदास जी महाराज यहाँ बोलते हैं जाको कछु नहीं पहचान जिसको कुछ भी पहचान नहीं है न प्रेम के विषय में पता है न परमधाम के विषय में पता है न परमात्मा के विषय में कोई जानकारी है ऐसे के लिए तो धिकार है धिकार है ये इस तरह से यहां कहते हैं आगे तीन संबंध अपना तोड़िया जो था बीच बका अब क्यों मुख दिखा जो बीच वजूद थका कहते हैं तीन संबंध अपना तोड़िया ऐसे सुंदर साथ ने तो अपना संबंध तोड़ लिया किसके साथ में मतलब जो जीवित रहते हुए भी जीवित रहे धाम धनी के बिछोड़ होने के बाद भी कुछ भी उनको फिकर नहीं हुआ ऐसे सुंदर साथ ने संबंध तोड़ लिया कहाँ का परमधाम का संबंध धाम का संबंध आत्मा का संबंध उन्होंने तोड़ लिया यहाँ कहते हैं जो था बीच बक्का जो परमात्मा और परमधाम से बका मतलब यहाँ अखंड परमधाम से अपना नाता तोड़ लिया देखो यहाँ थोड़ा भाव समझना फिर नाता तोड़ना मतलब बिल्कुल टूट गया ऐसा नहीं है मानो ये उदाहरण दे रहे मानो नाता ही उन्होंने तोड़ दिया हो लेकिन जाना तो है परमधाम में जाना जाना तो है ही एक दिन तो जाना ही है देर से भी है लेकिन जाना तो है या कहने का मतलब मानो कोई संबंध ही नहीं है इस प्रकार से नाता तोड़ दिया तो कई लोग ऐसे होते हैं ना किसी भी कुछ भी मनमुटाव हो थोड़ी सी भी कुछ भी बात ऐसी हो तो इस तरह से वो उसको उग्र बना देते हैं मानो आगे पीछे कुछ भी संबंध अब रहने वाला ही नहीं है इस तरह से उसको वो तो करते हैं ना लेकिन ऐसा होता नहीं है कुछ यहाँ फिर संबंध बनेगा आगे भी था पीछे भी संबंध बनेगा यहाँ भी वही एक, एक दृष्टांत दे रहे हैं मानो सुंदर साथ में ऐसा व्यवहार दिखाया मानो उनका कोई परमधाम से नाता ही नहीं हो परमात्मा से कोई रिश्ता ही नहीं हो संबंध ही नहीं हो ऐसा व्यवहार दिखाया कहने का मतलब ये संबंध तो है ही ना संबंध टूटा थोड़ी है लेकिन मानो कोई संबंध ही नहीं, नहीं है ऐसा व्यवहार दिखाया ये कहने का मतलब है तीन संबंध अपना तोड़िया जो था बीच बक्का वो अखंड परमधाम के साथ में जो संबंध था मानो कोई भी संबंध नहीं रहा ऐसा व्यवहार उन्होंने दिखाया संबंध तोड़ा अब क्यों मुख दिखा भाई अब जागृत होने के बाद जब बाद में होश आएगा होश संभालेंगे सचेत होंगे अरे धाम धनी गए यहाँ भी संसार में भी तो आपस में कैसे मुक्त दिखाएंगे क्या अर्थ दूसरा जब परमधाम में जाएंगे जागृत होंगे मूल मिला में सभी बैठे होंगे राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होंगे और यहाँ की चर्चा जब चलने लग जाएगी समर्पित सुंदर साथ की भी चर्चा होगी और जिन्होंने अपना आप रखा शरीर को बचाए रखा ऐसे सुंदर साथ की भी चर्चा होगी उस समय अब क्यों मुख दिखा वहीं किस तरह से मुख दिखाएंगे वहाँ पर लज्जित होंगे ना वो नीचा करके बैठेंगे जो बीच बजूद थका तो यहाँ बोलते हैं यहाँ भी प्रास मिलाने के ऊपर बका है नीचे थका है उसको अनुप्रास मिलाने के लिए बका और थका कहा है बीच बजूद थका अब बीच बजूद बजूद मतलब यह शरीर है अब इस शरीर में रहते हुए अब जब उनको होश आएगा तो वो आपस में किस तरह से अपने मुंह दिखा पाएंगे तो यहां कहते हैं बीच बजूद थका इस संसार में इस पंच भौतिक शरीर में शरीर के मोह में जो मोहित हो करके के इसको संभाल करके जो रहे वे अब जागृत होने के बाद किस तरह से धाम में अपना मुंह दिखा पाएंगे और ये अर्थ करते हैं अब क्यों मुख दिखा वहीं जो बीच वजूद थका तो इस तरह से यहाँ कहते हैं जागृत होने के बाद वहाँ हंसी होगी अपना मुँह इस तरह से स्पष्ट रूप से नहीं दिखा पाएंगे थोड़ी आँख चुका करके शर्म से वे लोग खड़े होंगे ले बैठे आकार को विरह सुनते हैं कान तिनको ईमान जिन कहो कहा रही इत जान तो कहते हैं ले बैठे आकार को विरह सुनते कान विरह सुनकर के भी धाम धनी के विरह सुनकर के भी इस आकार को बचाए रख रखते हैं जो तिनको ईमान जिन कहो उनका इस धर्म के प्रति विश्वास है ऐसा मत बोलो उनको विश्वास नहीं है कहाँ रही इतजान तो परमात्मा के प्रति प्रेम कहाँ रहा हम तो प्रेमी का है परमात्मा हमारे प्रेमी हैं इस प्रकार से कहने वाले भी यदि शरीर को बचाए रखें इस मोहमाया में जकड़ करके सांसारिक सुख उपभोग के लालची बन करके रहें तो उनको ईमान है विश्वास है धर्म के प्रति धाम के प्रति ऐसा मत कहो तो कहते हैं जो रहे सोहबत में आठ तो पीछे क्यों कर रहे जाको बात न दिल में और नहीं तो जो रहे सोहबत में उनके संग में सत्संग में आठ पहर एक ठौर एक ही ठौर में एक ही स्थान में अष्ट प्रहर चौंसठी घड़ी आठों प्रहर साथ साथ में चलने वाले ऐसे सुंदर साथ तो कहते तो पीछे क्यों कर रहे तो ऐसे सुंदर साथ नहीं तो क्यों पीछे हट करेंगे पीछे क्यों रहे जाको बाच बात न दिल में और जिनके हृदय में जिनके हृदय में प्रेम के अलावा कोई दूसरी बात नहीं थी परमात्मा के अलावा कोई दूसरी बात नहीं थी परमधाम की परमधाम के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं थी अष्ट प्रहरी धामधनी के साथ में वही प्रेम में भीगे रहने वाले सुंदर साथ नहीं तो क्यों इस संसार में रहते तो यहाँ इस तरह से बोलते हैं पर ये बात हुक्म की सो तो हाथ है हक ऐसा जान बुझ क्यों करे जिन नहीं दिल में शक्का परंतु यह बात सब हुक्म की है परमात्मा की हुक्म की बात है सो तो हाथ है हक वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हाथ में ही सारा हुक्म है वह जैसे न चाहें उसी तरह से न चाहते हैं जिनको रखना चाहे वो रखते हैं जिनको ले जाना चाहे वो ले जाते हैं ऐसा जान बुझ क्यों करे जिन नहीं दिल में शक्का परंतु तो कहते हैं नहीं तो धाम धनी की आज्ञा उनके हुक्म नहीं होता तो अष्ट प्रहर साथ में रहने वाले सुंदर साथ ऐसा जान बूझ क्यों करें नहीं तो ऐसा क्यों करते हैं जानते हुए समझते हुए क्यों करेंगे जिन्हें नहीं दिल में शक्का जिनको परमात्मा के प्रति कोई शंका नहीं है परमधाम के प्रति कोई संदेह नहीं है अपनी आत्मा के प्रति कोई भी शंका उपशंका नहीं है ऐसे सुंदर साथ नहीं तो क्यों रह सकते इस तरह से तो यहाँ कहते हैं जो रहे सो हुकुमे और चले बीच इजन्ना मोमिन रखे जिन वास्ते मजल मजल जाहिर सबो रोशन आगे कहते हैं सुन्दर साथ जी जो गए वो भी हुकुम से गए जो रहे वो भी हुकुम से रहे जो रहे सो हुकुमे जो यहाँ पर रहे वो भी हुकुम के द्वारा ही रहे और चले सब इजन्न इजन मतलब आज्ञा आदेश जो चले जाने वाले भी धाम धनी के आज्ञा उनके आदेश से ही उनके हुकुम से ही चले गए मोमिन रखे, जिनवास्ते, मजला जाहिर देखो, रखे जिनवास्ते, जिनवास्ते मतलब जिन वास्ते मजल जाहिर शबो रोशन देखो मोमिन रखे जिन वास्ते यहाँ जिन वास्ते मतलब जिनके लिए मोमिनों को रखा गया इस संसार में रखा गया वो भी कारण है कल भी हमने वो उच्चारण किया था कहा था वो कारण है ना क्या क्या कारण है लालदास जी महाराज को रखा गया तो मत शरीर छोड़ना क्यों क्योंकि वृतांत लिखना है छत्रसाल जी महाराज को रखा क्यों कि सुंदर सात को सुंदर सात का देखभाल करना है जागनी करनी है केशवदास जी को रखा क्यों कि वाणी को एक जिल्द में समेटने के लिए और मुकुंदास जी को रखा किस लिए धर्म प्रचार प्रसार के कार्य करने के लिए आदि आदि सुंदर साथ को इस तरह से ज़िम्मेदारी दे करके रखा गया इसलिए कहा मोमिन रखे जिन वास्ते जिस सच्चे ऐसे समर्पित सुंदर साथ को भी यह संसार में रखा उसका भी कारण है उसका भी यहाँ कहते हैं उद कुछ उद्देश्य है मजल जाहिर सबो रोशन ये सभी को पता है सभी सुंदर सा जानते हैं यह स्पष्ट है, है पूर्ण रूप से प्रकाशित है स्पष्ट है धाम धन्य किस लिए रखा गया इसका तात्पर्य सभी सभी को पता है करके यहाँ स्पष्ट कर देते हैं तो संबत सत्र से इक्यावन भादोबदी चतुर्दशी के दिन प्रणाम कर सब साथ को पहुंचे हक कदमों मोमिन्ना तो यहाँ कहते हैं कई सुंदर साथ इस तरह से परमधाम को चले गए कब संबत सत्र से इक्यावन भादोवदी चतुर्दशी के दिन जब यहाँ कहते हैं भादो बदी चतुर्दशी के दिन कतिपय सुंदर सात कितने ही सुंदर सात विक्रम सम्मत सत्रह भादो कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन सुंदर सात को प्रणाम करके वे परमधाम को जागृत हो जाते हैं पहुंचे हक कदम मोमिन न पहुंचे पहुँच गए हक कदम परमात्मा के चरण में मोमिन मतलब सुंदर सात वो ब्रह्म मुनिजन परमधाम को जागृत हो जाते हैं पहुँच जाते हैं मैं कहूँ नाम तिनके जिन सुनत होइए पाक उड़ाए वजूद अपना थे हक कदमों खा या कहते हैं लालदास जी महाराज मैं कहूँ नाम तिनके उन सुंदर साथ के जो इस तरह से जाने वाले सुंदर साथ के नाम मैं बताऊँगा पहले भी बताया था कुछ नाम यहाँ पर छुटे हुए थे तो उनको फिर बताते हैं जिन सुनत होइए पाक जिनके पवित्र नाम सुनते ही हमारा मन पवित्र होगा हृदय साप साफ होगा हृदय पवित्र होगा या पाक मतलब पवित्र जिन सुनत जिनके पवित्र नाम सुनते ही हो, ये हो जाएगा पाक पवित्र हो जाएगा हमारा हृदय उड़ाए वजूद अपना थे हक कदमों खाक ऐसे सुंदर साथ ने इस शरीर को तुरंत छोड़ दिया शरीर में से अरवा बाहर निकाल लिया मतलब आत्मा को अलग कर लिया थे हक कदमों खाक वे लोग कैसे थे थे हक्क वो सत्य परमात्मा के कदमों मतलब चरणों में चरणों के खाक मतलब धूल धूल के समान मतलब चरण रज परमात्मा के चरण में चिपके हुए धूल के समान खाक मतलब धूल मतलब परमात्मा के चरणों की धूली चरण की धूली बोलते हैं ना तो वो ऐसे सुंदर साथ परमात्मा के चरण धूली रूप सुंदर साथ मतलब वो इस तरह से जागृत हुए जिनके नाम सुनते ही हमारा हृदय पवित्र होगा तो चलो सुनते हैं उन सुंदर साथ के नाम तो वहाँ बोलते हैं वल्लभदास एक इनमें दूजे हैं केशवदास तीसरा था मथुरा ये तीनों मोमिन खास एक तो वल्लभदास दूजे हैं केशवदास तीसरा था मथुरा जिनका नाम मथुरा ये तीनों मोमिन खास अति विशेष सुंदर साथ में ये तीन थे इन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया धाम धनी के चरणों में राम कुंवर केशव संग प्रसादी इनके संग हमीरा स्त्री इनकी थी धाम धनी के अंग और सुंदर साथ के नाम लेते हैं उनमें से राम कुंवर जिनका नाम था वे और केसव संग के सब नाम जिनका है वे भी राम कुमार जी के साथ साथ में ही वे भी चल पड़े प्रसादी इनके संग फिर इनके बाद में तुरंत कौन प्रसादी जिनका नाम प्रसादी था तो वे भी उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया हमीरा स्त्री इनकी जो प्रसादी भाई प्रसादी की धर्मपत्नी का नाम था हमीरा तो वो उन्होंने भी प्राण त्याग दिए थी धाम धनी के अंग तो वो हमीरा भी धाम धनी की अंगना थी इसलिए उन्होंने भी अपना तन इस तरह से त्याग करके वो भी जागृत हो गई और जो था नरसिंह दास संत संतदास जो इन संग ये छेहू मोमिन खास वो कहते कहते हैं और सुंदर साथ में सहमन पांचवा नरसिंह दास और संतदास छठे में संत दास जो इन संग इन सारे सुंदर साथ के साथ साथ में संत दास भी वो चल बसे ए छेहु मोमिन खा छेहु मतलब ए छह छा, छा छा सुंदर साथ ए मोमिन सुंदर साथ विशेष सुंदर साथ में थे और आगे कहते हैं पूर्वाई और खड़गो और केसरबाई नाम काशी चल्या तीसरे दिन चल्या असौ पीछे इन काम या कहते हैं पूर्वाई खड़गो केसरबाई जिनके नाम हैं काशी चलिया तीसरे दिन जो काशी भाई है वह भी धाम धनी के चलने के तीसरे दिन पर उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया चल्या असौ पीछे इन काम असौ भी वो नाम ही है तो पीछे इन काम उस समर्पण के कार्य के लिए या इन काम कौन सा काम तो ये बलिदान के कार्य के लिए समर्पण के कार्य के लिए सत्य धर्म पर समर्पित परमात्मा के पर समर्पण होने के लिए उन्होंने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया श्री महामती कह ए मोमिनो धरो कदमों पर कदम तुम आए धाम धनी से जगाओ अपनी आत्मा यहाँ महामती लालदास जी महाराज कहते हैं हे सुंदर साथ जी धरो कदमों पर कदम या कहते हैं धरो कदम पर कदम किसके कदम पर उन कुर्बान होने वाले उन समर्पित होने वाले सब कुछ नक्षावर करने वाले उन सुंदर साथ के पवित्र पद चिन्ह पर अपना पैर मतलब अपना कदम वहाँ रखो मतलब पद चिन्ह पदचाप पद चिन्ह पर वो अपना पैर रख कर के आगे बढ़ो क्योंकि महान जन जिस मार्ग पर चलते हैं तो सभी को उसी मार्ग पर चलना चाहिए उनको आदर्श बना करके चलना चाहिए इसीलिए हम स्वयं अपना पथ हम नहीं बना सकते इसलिए ऐसे महान लोग जो पथ बनाते हैं मार्ग बनाते हैं उस मार्ग के उस पथ के हम पथिक बनेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा इसलिए कहते हैं धरो कदम पर कदम उन महान सुंदर साथ के कदम पर कदम मतलब वह जिस मार्ग पर चले जिस धर्म पर चले उस धर्म पर हमें भी चलना चाहिए उस मार्ग पर हमें भी चलना चाहिए तो ये अर्थ है तुम आए धाम धनी से क्यों चलना चाहिए तो यहाँ बताते हैं तुम आए धाम धनी से तुम तो वो धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से अखंड आनंद में रमण करने वाली आत्मा होना परम धाम में रमण करने वाली वो दिव्य अखंड आनंद अनुभव करने वाली आनंद की लौल करने वाली सखी आत्मा होना इसीलिए इस संसार में खेल देखने के लिए आई सब कुछ भूल गई अब जागृत होने का अवसर है इसलिए वो बोलते हैं इसलिए धरो कदम पर कर कदम उन महान आत्माओं के पद चिन्ह पर अपना अभी अपनी यात्रा शुरू कर दो तुम आए धाम धनी से क्योंकि तुम परम धाम से आई हो धाम धनी की अंगना हो इस माया में भूली पड़ी हो इसीलिए पुनः तुम्हें जागृत होकर के परम धाम जाना है परमात्मा को प्राप्त करना है इसीलिए जगाओ अपनी आत्मा अब इस वाणी से इस प्रसंग से इन उदाहरणों से उन महान आत्माओं को आदर्श मान करके हमें भी अपनी आत्मा को जागृत करना है अपनी आत्मा को जगाना है जगाओ अपनी आत्मा तम्मा। तो यहाँ लाल जी महाराज प्रकरण पूरा करते हैं नवा प्रकरण यहाँ पूरा हुआ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की चलिए अब चौपाय दोहराए श्री महामती कै मोमिनो धरो कदमों पर कदम तुम आए धाम धनी से जगाओ अपनी आत्मा जगाओ अपनी आत्मा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की श्री नवतन पुरी धाम की जगत गुरु आचार्य श्री अक्षाठ कृष्ण मणिजी महाराज की समस्त सुंदर साथ प्रणाम